हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस बडी। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, प्रागैतिहासिक स्थल गढ़धनौरा कोंडागांव का संबंध है। तो फ्रेंड्स, गढ़धनौरा जो कि कोंडागांव में है, इसका संबंध है पाषाण घेरों से। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि शैल चित्रों हेतु कबरा पहाड़, सिंघनपुर व चितवा डोंगरी फेमस है। पाषाण घेरों हेतु करही भदर, चेचारी व सोरर भी प्रसिद्ध हैं। और पाषाण युगीन औजारों हेतु कबरा पहाड़ जो कि रायगढ़ में है, वह भी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू, महाभारत कालीन स्थल चित्रांगदपुर किसका प्राचीन नाम है। तो फ्रेंड्स, चित्रांगदपुर प्राचीन नाम है सिरपुर का, जो कि अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी थी। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि रतनपुर, इसका प्राचीन नाम था रत्नावलीपुरी या मणिपुर। आरंग, इसका प्राचीन नाम था भांडेर और यह मोरध्वज की कथा से संबंधित है। इसके अलावा खल्लारी, इसका प्राचीन नाम है खल्लवाटिका और यहाँ भीम कोह स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रभु आनंद कुटी विहार स्थित है। तो फ्रेंड्स, प्रभु आनंद कुटी विहार में गौतम बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है और यह स्थित है सिरपुर में। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा फ्रेंड्स, गुंजी जिसे दमऊ देहरा कहते थे, यह ऋषभ देव जी से संबंधित है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर, हरिशेण कृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोसल के किस राजा को परास्त किया था। तो फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल से महेंद्र सेन को पराजित किया था और महाकांतार जो कि बस्तर क्षेत्र को कहते थे, वहाँ से व्याघ्र राज को परास्त किया था जो कि नल वंशीय शासक था। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि शरभराज, यह शरभपुरीय वंश का संस्थापक है और शरभपुरीय वंश छत्तीसगढ़ का एक स्थानीय राजवंश है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव, रिद्धिपुर व केसरी बेड़ा ताम्रपत्र का संबंध किस वंश से है। तो फ्रेंड्स, रिद्धिपुर व केसरी बेड़ा ताम्रपत्र का संबंध है नल वंश से और कोंडागांव के अड़ेंगा व बालोद के कुलिया से भी इस वंश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कि पांडु वंश, इसकी राजधानी थी सिरपुर। इसके अलावा मैकल के सोमवंशी, जिनके बारे में हम मल्हार ताम्रपत्र से जानते हैं, और अगला है गुप्त वंश जिसके बारे में बाना बरद व पिटाई वध से सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, लीलागर नदी के तट पर स्थित मल्हार नगर की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, लीलागर नदी को पहले नीडिला नदी कहते थे और इसके तट पर एक शहर स्थित है मल्हार, जिसे पहले प्रसन्नपुर कहा जाता था। तो प्रसन्नपुर की स्थापना की थी प्रसन्न मात्र ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रसन्न मात्र के बारे में हम मल्हार से जानते हैं और गरुड़ चक्र व शंख युक्त सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। विलासतुंग नलवंशी शासक हैं और इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया था राजीव में। शरभराज के बारे में हम देख ही चुके हैं, यह शरभपुरी वंश का संस्थापक था। और विक्रमादित्य जयमऊ, यह बाण वंश से संबंधित है और इन्होंने पाली के शिव मंदिर का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के निर्माण करता है। तो फ्रेंड्स, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जिसे लाखा चाउर मंदिर भी कहते हैं, इसके निर्माण करता है ईशान देव।
इसके अलावा रानी वाष्टा देवी, इन्होंने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था, और ये थी हर्षगुप्त जी की पत्नी और महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता। महाशिवगुप्त तीवर देव, इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, राजर्षि तुल्य वंश का संबंध है। तो फ्रेंड्स, राजर्षि तुल्य वंश का संबंध है भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से। उदयन का कालिंजर अभिलेख और इंद्रबल का कौवा ताल अभिलेख, ये है पांडु वंश से संबंधित। स्कंद वर्मन के पोड़ागढ़ अभिलेख, यह है नल वंश से संबंधित। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किरारी के काष्ठ स्तंभ लेख व गुंजी के शिला लेख का संबंध है। तो फ्रेंड्स, किरारी के काष्ठ स्तंभ लेख और गुंजी का शिला लेख, इसका संबंध है सातवाहन वंश से। इसके अलावा बालपुर व मल्हार से राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त हुई थी, जो कि सातवाहन वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से संबंधित पंचमार्ग सिक्के उड़ेला तारापुर से प्राप्त हुए थे, व चांदी के सिक्के अकलतरा ठठारी से प्राप्त हुए थे। गुप्त वंश के बारे में देख चुके हैं, यहाँ पिटाईवल्द और बानाबरद से इसके सिक्के प्राप्त हुए थे। इसके अलावा कुषाण वंश, तेलीकोट रायगढ़ से स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, परम महेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी। तो फ्रेंड्स, परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका शासन काल छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल भी कहलाता है, और महाशिवगुप्त तीवर देव ने सकल कोसलाधिपति व परम वैष्णव की उपाधि धारण की थी। महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी, यह है कलिंग के सोम वंश का शासक, जो कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। और भवदत्त वर्मन, इन्होंने महाराजा व भट्टारक की उपाधि धारण की थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।